पाकिस्तानी सीमा से सटे हाईवे पर देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनकर हुई तैयार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर में, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाकर तैयार कर दी है। पाकिस्तानी सीमा से सटे हाईवे पर देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनकर हुई तैयार। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट में खुद बैठकर ये इमरजेंसी लैंडिंग की और इसके साथ ही ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है बनकर तैयार हो चुकी है। राजस्थान के बाड़मेर जालोर सेक्टर में ये हाईवे NH-295 है, जहाँ पर ये बनकर तैयार हुई है। ये हाईवे और उसके बराबर में वो सामने जो एयर स्ट्रिप है, 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है जो बनाकर तैयार की गई है। और ये इसीलिए तैयार की गई है ताकि हाईवेज को भी भारतीय वायुसेना जो है अपने एयर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि उनको रनवे और की तरह इस्तेमाल कर सके, यानी कि एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि युद्ध के समय में दुश्मन जो है वो अपोजिट साइड के जो एयरबेस होते हैं, एयर स्ट्रिप होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो उसके लिए ऐसी कभी जरूरत पड़ती आती है, ऐसी कोई समस्या देश के सामने आती है, तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जो है वो हाईवे से भरी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो कर सके, उसके लिए ये देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई है। बाड़मेर जालोर सेक्टर में तैयार की गई है। पाकिस्तानी सीमा महज यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इस तरह की कुल 12 जो एयर स्ट्रिप्स यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में और खासतौर से चीन और पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए इलाकों में इस तरह की जो एयर स्ट्रिप बन रही हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के बड़ी तादाद में एयरबेस हैं इन सीमाओं पर, चाहे वो LOC हो, LSC हो, पाकिस्तानी सीमा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरत पड़ी और इसके लिए जो भारतीय वायुसेना है उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके साथ जो गठजोड़ किया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इस एयर स्ट्रिप को बनाकर तैयार किया है। 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, इस पर जो फाइटर जेट्स हो अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि गुरुवार को इसके उद्घाटन के समय में सुखोई फाइटर जेट्स, जैगुआर फाइटर जेट्स, इन्होंने अपने ऑपरेशंस किए। इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि जो मालवाहक विमान होते हैं, जो सैन्य विमान होते हैं, वो भी इसमें इस पर जो है अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। और इसी के लिए जो पहला एयरक्राफ्ट जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, वो सभी जो C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट है उसमें सवार हुए और उसने यहाँ पर इस एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग की। तो उसके साथ ही ये पहली देश की पहली जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है वो बनकर तैयार हो चुकी है और इस तरह की 12 जो एयरफील्ड्स हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं। और ये इनका सिर्फ मकसद यही है कि जब भी जरूरत हो तो इन हाईवेज को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल किया जाए। देखेंगे तो इस एयर स्ट्रिप पर कहीं पर भी कोई पेड़ इस हाईवे पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी केबल कोई नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। और ये इसीलिए ताकि जो वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर अपने ऑपरेशंस जो हैं बिना किसी रुकावट के कर सकें। इसका सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य है वो इसीलिए है यहाँ पर, इसलिए कोई देखेंगे कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केबल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है, कोई आसपास पेड़ नहीं है इस हाईवे के, वो इसका मकसद सिर्फ ये बनाने का इसीलिए है। और पूरी तरह से गुरुवार को जब उद्घाटन हुआ तो खुद यहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उन्होंने यहाँ पर लैंडिंग की और दिखाया कि पूरी तरह से मजबूत है, जैसे कि एक एयर स्ट्रिप किसी एयरबेस पर होती है, ठीक वैसे ही ये बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है।